वालेकुम नाजरीन उम्मीद है आप खैरियत से होंगे अमूमा आप नोट करते होंगे या लाइफ में इवन तकरीबन हर एक के साथ ये हो चुका होगा कि आपके नाखून के ऊपर सफ़ेद रंग के डॉट्स या स्पॉट्स निकल आते हैं इस कंडीशन को मेडिकली लूकोनिकिया बोलते हैं आ, ये अगरचेमूम ज़्यादा ख़तरनाक तो नहीं होती लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसकी वजूहत जानना चाहते हैं तो आज का ये टॉपिक इस हवाले से है वो लोग जिनके घरों में इस्तेमाल होने वाले पानी में बहुत ज़्यादा कसाफ होते हैं या नमकियात होते हैं मसलन सैनिक वगैरह या वो इलाके जहाँ पे साफ पानी मैसर नहीं होता वहाँ के लोगों के नाखूनों को भी अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो उनके नाखून के ऊपर भी वाइट स्पॉट्स अक्सर ज़्यादा नज़र आते हैं तो अगर आपके पीने का पानी ऐसे जहरीले साल्ट से लोडेड है तो भी आपको ये मसाइल हो सकते हैं और ये मसला पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में है कि वहाँ पीने का साफ पानी मैसर नहीं होता और लोग आलूदा पानी और इन सॉल्ट से भरा हुआ हाई टी डी एस वाटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसमें जो डिज़ोल्व सॉलिड्स होते हैं सॉल्ट्स होते हैं और लेड वग़ैरह और इस तरह की और केमिकल्स उनसे वो भरा हुआ होता है और लोग जब इस किस्म के पानी का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो उनको बहुत सारे सेहत के मसाइल से दो चार होना पड़ता है ऐसे लोग अक्सर अवात डॉक्टर्स के पास पहुँचे हुए होते हैं क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर अद्वियात के इस्तेमाल के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा होता इसके अलावा और भी बहुत सारे सेहत के मसाइल उनको हो रहे होते हैं लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं होता कि इसकी असल वजह उनके पीने का पानी है ऐसे लोगों का हर वक्त पेट भी ख़राब रहता है मैदा भी प्रॉपरली फशन नहीं कर रहा होता तो मल्टीपल उनको मसाइल होते हैं ऐसे लोग दवाइयों के ऊपर तो ख़र्चा कर रहे होते हैं लेकिन जो मसले की जड़ है जो पीने का पानी है आ, उसके ऊपर वो फोकस नहीं करते और वो मुसलसल पिए जा रहे होते हैं खुद भी पीते हैं और अपने बच्चों को भी वो टॉक्सिक पानी पिला रहे होते हैं और जिसकी वजह से रफ्ता रफ्ता पूरा घराना बीमार हो जाता है ऐसे पानी का मुसलसल इस्तेमाल बिलाकर लोगों को गुर्दों के मसाइल की तरफ भी ले जाता है तो इसलिए आपके पीने के पानी पर तवज्जो होनी चाहिए उनके अंदर जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स हैं टी जिसको बोलते हैं वो उसका लो होना चाहिए आइडियली इट शुड बी बिटवीन 200 हंड्रेड टू थ्री और 400 हंड्रेड प्रोबेबली तो ये पीने के लायक होता है अक्सर लोग जो पीने का पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसका टी डी एस लेवल वन थाउजेंड पी पी एम से ऊपर होता है तो ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ आप चेक कर सकते हैं तो अगर आपके घर के अंदर इस्तेमाल होने वाले पानी का टी डी एस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो आपको इससे बहुत ज़्यादा सीरियस नुकसान हो सकते हैं तो वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं लूकोनी किया यानी नाखूनों के ऊपर सफ़ेद जो निशान होते हैं दाग होते हैं वो भी ऐसे लोगों में निकल सकते हैं क्योंकि अगर पानी के अंदर आर्सेनिक की मौजूदगी होगी ज़्यादा होगा तो उससे ये वाइट स्पॉट्स आ सकते हैं और आखिर में एक बहुत ही अहम वजह डिस्कस कर लेते हैं जिसकी वजह से लोगों के जो नाखून है उनके ऊपर ही वाइट स्पॉट्स आते हैं और वो है आपके खून में जिंक और कैल्शियम की कमी का वाक़ होना अमूमा ये जिंक की कमी से देखने में आया है और अब ये जिंक की कमी अक्सर लोगों में कैसे डेवलप हो जाती है वो प्रॉपरली डाइट के अंदर जिंक ले रहे होते हैं लेकिन इसके बावजूद भी उनके जिसम में जिंक कम पड़ जाता है तो आखिर ऐसी क्या वजह बनती है जिसकी वजह से एक नॉर्मल नज़र आने वाला बाहर सेहतमंद इंसान उसके अंदर जिंक की कमी वाकई हो जाती है और उसके नाखून के ऊपर ही वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी अहम वजह है एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसका शिकार बहुत सारे लोग हैं और वो है ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल खानों में चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल फास्ट फूड्स ये सारी वो चीज़ें जो आपके जिसम के अंदर शुगर लेवल को बढ़ाती हैं और जैसे ही आपके जिसम में शुगर लेवल बढ़ता है तो जिंक आपके अंदर डिप्लीट होना शुरू हो जाता है जिंक कम होना शुरू हो जाता है लोग अक्सर इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते फॉर uh, एग्ज़ाम्पल आपके घर के अंदर केक आया और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है और आप ऑलमोस्ट आधा केक खा जाते हैं तो ज़ाहिर है आपके जिसम के अंदर बहुत ज़्यादा चीनी बढ़ जाती है शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है और ऐसे लोग अक्सर तकरीबन दो तीन हफ्ते के बाद उनके नेल्स के ऊपर ही वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं लेकिन चूंकि हमें इसकी वजह नहीं मालूम होती तो हम अक्सर इन चीज़ों को समझ नहीं पाते तो ये इसका लिंक शुगर लेवल से होता है तो ये चीज़ें बाहर एक सेहतमंद इंसान को ज़्यादा नुकसान फ़ौरी तौर पे तो नहीं पहुंचाती लेकिन अगर आप पूरी लाइफ इस तरह चलते रहते हैं तो ये चीज़ें आपको ऑर्गन डैमेज की तरफ ले जाती हैं और ये इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल में मौजूद हैं कि शुगर ज्यादा लेने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं तो अपने जिंक लेवल को इम्प्रूव करने के लिए आप जिंक सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसके अलावा शुगर एक ऐसा मर्ज है डायबिटीज की बात कर रहा हूँ कि जिसमें मुबतला लोगों के खून के अंदर उनके जिसम के अंदर जिंक की कमी वाकई हो जाती है तो वो लोग जो डायबिटिक्स हैं उनके लिए भी जिंक सप्लीमेंट्स अच्छे होते हैं अच्छा चंद और वजूहत भी हैं मगर ये कदरे कम अहम है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जिसम के अंदर आयरन की कमी का हो जाना उसके बाद भी नाखनों के ऊपर वाइट स्पॉट्स आ सकते हैं मगर जैसे मैंने बताया ये इनकी एक गैर अहम वजह रेयरली पेशेंट्स में देखा गया कि इसकी वजह से भी हो जाता इस तरह रिसर्च में ये भी देखा गया कि वो लोग जिनको लीवर के मसाइल हैं जिगर के मसाइल हैं उनके अंदर भी उनके नाखनों के ऊपर भी ये वाइट स्पॉट्स बन सकते हैं लेकिन ये भी एक कदरें गैर अहम वजह है इसकी तो ये था आज का मौजू उम्मीद है इससे कुछ सीखने का आपको मौका मिला होगा अगर आपको इस इंफॉर्मेशन से कोई फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा मिलते हैं किसी और अहम टॉपिक के साथ अल्लाह हाफिज़ुनासर